सोनोमा। दोस्तों एप्पल ने WWDC इवेंट जो हुआ कल 5 जून को, उसमें न्यू मैक ओएस सोनोमा लॉन्च किया है। जैसे कि अभी आपको पता है कि वर्तमान में हम लोग न्यू मैक ओएस वेंचुरा पर काम कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं, लेकिन अब आपको न्यू मैक ओएस सोनोमा देखने को मिल जाएगा। ये पता नहीं कैसा नाम है, लेकिन उच्चारण करने में मजा आ जा रहा है। दोस्तों चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके कुछ नए फीचर्स के, कि क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो नए फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला स्क्रीन सेवर में देखने को मिलेगा। पहले हम लोग विंडोज में स्क्रीन सेवर जैसे यूज करते थे, वैसे ही इस मैक ओएस सोनोमा में आपको स्क्रीन सेवर देखने को मिल जाएगा। ये जो मजा है, पहले हम लोग ले चुके हैं, एप्पल इसके लिए तो विख्यात है ही कि जो हम लोग एंड्रॉयड या विंडोज में यूज कर लेते हैं उसके बाद ही कुछ ये लाता है, बहुत ही सोच समझ परख करके कि बाद में कुछ दिक्कत नहीं हो। तो ये नया स्क्रीन सेवर मोड लाया गया है जो कि आप अपने मैक ओएस सोनोमा में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरे न्यू फीचर्स की बात किया जाए तो वो है आपको विजिट्स। अब आप अपने स्क्रीन पर बहुत सारे विजिट्स लगा पाएंगे। पहले क्या होता था, इधर राइट साइड में टाइम पर क्लिक करके वो विजिट्स आपको कुछ देखने को मिल जाते थे, लेकिन जैसे ही कुछ काम करने लगे वो डिसअपीयर हो जाते थे। लेकिन अब आपको आईपैड आईफोन में जैसे आप इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन पर विजिट्स, वैसे ही आपको अब मैक ओएस सोनोमा में देखने को मिल जाएगा। अब ये कुछ भी इस्तेमाल कीजिएगा तो ये बैकग्राउंड में फेड जरूर हो जाएगा, लेकिन ये गायब नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ आईपैड और आईफोन से अगर आप एक ही वाईफाई पर कनेक्ट हैं तो ये आपको आईफोन का और आईपैड का आपका जो विजिट्स है वो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा कमाल का चेंज देखने को मिला है। अगर आप चाहेंगे तो आपका जो आईफोन का जितना भी विजिट्स है वो सारे आपको मैक ओएस सोनोमा में आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, और सिमिलरली आईपैड में भी इसी तरह से वर्क करने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ इसका एक विजिट गैलरी भी दिया गया है, जैसे कि आप आईफोन्स में देखते हैं तो आप अपने मन मुताबिक जो भी विजिट्स है उसको फेर बदल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, चुन सकते हैं। तो ये बहुत कमाल का चेंजेस देखने को मिलेगा, और मतलब कि एप्पल इस बार पूरा तामझाम पर विशेष फोकस किया है, और अब आपका जो विंडोज है बहुत कस्टमाइज तरीके से बहुत सुंदर दिखने वाला है आपका होम स्क्रीन। जैसा कि सब विदित है कि ये गेम के लिए मैक्स यूजर्स परेशान रहते हैं गेमिंग सेक्शन को लेकर के, लेकिन इस पर भी एप्पल काम कर रहा है, इसमें भी कुछ इंप्रूव किया गया है। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये न्यू गेम लॉन्च करने वाला है एप्पल, देखिए इसका एनिमेशन कितना मस्त है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम करने वाला है। तो एक नया गेम लॉन्च किया है और एप्पल इस नए मैक ओएस सोनोमा में, तो देखिए कि कैसा वर्क करता है, आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों एक कमाल का अपडेट आया है एप्पल की तरफ से इस मैक ओएस सोनोमा के लिए, वो बिल्कुल शानदार है, जो कि हर किसी को पसंद आएगा, वो है प्रेजेंटर ओवरले। इसमें क्या हुआ कि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिएगा, जूम मीटिंग्स कीजिएगा, फेस टाइम कॉल पर कीजिएगा या कुछ भी कीजिएगा, तो आप जो आपका फेस है उसको सर्कल में रख के कहीं भी आप इसको मूव कर पाइएगा, और आप अपने फेस के पीछे आप जो आपका बॉडी है उसके पीछे आप अपना कंटेंट्स भी लगा सकते हैं, नए वॉलपेपर्स लगा सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल यूनिक चीज है। इसके साथ ही साथ अगर आप अपना कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं सामने जिससे आप मीटिंग कर रहे हैं, तो आप कुछ इमोजीज क्लिप्स भी आप वहां से शेयर कर सकते हैं, और वहां आपको उसको दिखाई देगा और उसको ऐसा फील होगा जैसे पूरा उसके कमरे में वो चीज आ गया। जैसे मान लीजिए कि आप हार्ट छोड़ते हैं तो पूरा हार्ट उसके आसपास गिरने लगेगा, फैलने लगेगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आने के बाद जब यूज करेंगे तो कैसा दिखेगा। इन सब अपडेट्स के लिए और कुछ क्या नया भविष्य में आने वाला है इसके लिए इस चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर बजा दीजिए ताकि समय पर आपको हर वीडियोज मिल जाए। तो इसी तरह के कमाल के वीडियोस इस चैनल पर आपको देखते रहने को मिलेगा। और भी कुछ चेंज देखने को मिला है, वो है सफारी ऐप में। सफारी में कुछ ज्यादा प्राइवेसी पर ध्यान दिया गया है दोस्तों। कुछ सफारी के पेजेस को आप एज ए ऐप स्क्रीन पर आप ला सकते हैं, वेबसाइट खोले हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस वेबसाइट को हमेशा यूज करना चाहते हैं और उसका एक आइकन से ऐप की तरह उसको इस्तेमाल करें, तो उसको अब आप सीधे स्क्रीन पर ला करके सेव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चेंज देखने को मिला है दोस्तों। आपको कैसा लगा ये चेंज आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं कि क्या कुछ नया चेंज अच्छा लग रहा है या ऐसा ही टाइ फिस कर दिया इस बार इवेंट में। iOS 17 में क्या कुछ नया देखने को मिला है, ये आई बटन में आप जाइए, वहां आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा कि क्या कुछ नया इस आईफोन में आपको देखने को मिल जाएगा iOS 17 में। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप ट्यून रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बाय।